तो दोस्तों काफी मेहनत लगा, आप देखें कैसा है। हम लोग इसको चिपकाया गया, आप देख रहे हो यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर एब्रो टेबल पे लगाए हम लोग रोप लाइट, और इसका लुक देखिए मस्त लग रहा है, काफी मस्त है। और दोस्तों वीडियो काफी स्क्यूब नहीं किए होंगे, जो जो भाई लोग मेरे वीडियो देखे होंगे तो उनको तो पता ही किस तरीके से मेहनत करके इसको लगाया गया कैसे। हाय गाइस, कमलेश इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक दोस्तों आपको बताएंगे ये रोप लाइट किस तरीके से लगाया जाता है बाथरूम पे। तो बाथरूम पे किस जगह हम लोग रोप लाइट लगाएंगे दोस्तों, वहां पर हमारा टाइल है, टाइल के ऊपर अपने को रोप लाइट लगाना है। तो किस तरीके से लगाया जाता है टाइल के ऊपर बाथरूम पे रोप लाइट, तो आपको पूरा डिटेल बताएंगे कैसे तरीके से इसका टेक्निक है, कैसे यूज करे जाता है वहाँ पर, और कहाँ पर लगाना है, और कैसे इंस्टॉलेशन करना है, पूरा आपको डिटेल बताएंगे इस वीडियो पे। तो दोस्तों वीडियो पे नहीं आए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कमलेश इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों आपको लेके चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो दोस्तों ये है हमारा बाथरूम, और बाथरूम पे आप देख सकते हो काफ़ी सारा लाइट लगा हुआ है। फिर सामने वाले पार्टी को यहाँ पर रोप लाइट भी लगाना है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पॉइंट छूटा हुआ है, अब देख सकते हो जो येल्लो वायर है ये रोप लाइट के लिए छूटा हुआ है, तो ये लगेगा यहाँ पर नीचे पे, ठीक है। तो ये इफेक्ट आएगा, जैसे कि हमारा स्पॉट लाइट आ रहा है ना इफेक्ट, वैसे ही आएगा। और यहाँ पर देखिए लाइट तो चल गया, और नल देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगाया गया, शावर कैसा लगा हुआ है आप देख सकते हो। तो समझ रहे हो यहाँ पर बाथरूम में कैसा चाहिए उनको। मिरर लाइट भी है यहाँ पर, और अपने को रोप लाइट लगाना है, ठीक है। रोप लाइट इसी में लगाना है, मैं बोला था प्रोफाइल लाइट लगाते हैं, नहीं प्रोफाइल लाइट मत लगाओ, रोप लाइट लगा दो। तो चलो हम आपको रोप लाइट लगा के दिखाते हैं किस तरीके से ये बाथरूम पे यहाँ पर टाइल के नीचे हम लोग रोप लाइट लगाएंगे, ठीक है। तो ये पैसा यहाँ पर जगह छूटा हुआ है रोप लाइट के लिए, वहाँ पर हम लोग को इंस्टॉलेशन करना है। चलो आपको बताते हैं कौन से। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग करीब रोप लाइट का तो काम हो चुका है काफ़ी सारा, तो हम लोग यहाँ पर आधा रोप लाइट मंगवाए क्योंकि अपने को ज़्यादा नहीं चाहिए, करीब अपने को 25 मीटर का दरकार का रोप लाइट का। तो हम लोग कौन सा कंपनी मंगाए आप देख सकते हो, पैनासोनिक, आप देख सकते हो पैनासोनिक का ड्राइवर है, और ये यहाँ पर इसका वोल्ट और ये सब लिखा हुआ है आप देखिए। उसके बाद देखिए इसको कैसे यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, यहाँ पर देखिए मेल फीमेल जैसा है रहता है, यहाँ पर कनेक्टर है उसके ऊपर ये फिटिंग हुआ है। तो काफ़ी आसान तरीके से यहाँ पर एक फिटिंग करके कंपनी वाले ने दिया है, चेक करके इसको टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं कैसा है। तो देखिए यहाँ पर जो सील लगा हुआ है उसको हम लोग को खोलना नहीं है, तो आपको एक नया वाला फाड़ के दिखाते हैं, इसको पैक कर देते हैं। तो देखिए एक नया वाला हम लोग पॉलीथीन फाड़ के आपको दिखाने के लिए इसको खोलें, और यहाँ पर देखिए दो स्ट्रिप का जो पिन आएगा यहीं पर इनपुट होगा, उसके बाद ड्राइवर के बाद अपने को चालू करना है, बिना ड्राइवर को इसको चलाना नहीं, यहाँ पर माइनस प्लस से चलता है। तो चलो इसको हम लोग पैक कर देते हैं, और अभी हम आपको एलईडी के बारे में बताते हैं यहाँ पर कितने एलईडी बल्ब रहेगा एक मीटर पे। तो आपको बता देते हैं हम लोग 120 एलईडी बल्ब हम लोग लगाते हैं 1 मीटर पे। तो ये इसमें अपने को मिलेगा 1 मीटर पे 60 बल्ब, ठीक है, 60 एलईडी दाना रहेगा। तो चलो हम आपको बताते हैं इसको इंस्टॉलेशन करने का तरीका। देखिए एक हमारा इसका ग्रिप मिलता है इसको लगाने के लिए, प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठाने के लिए ग्रिप मिलता है, और एक हम लोग यूज करते हैं बोन टाई, और एक काम करते हैं हम लोग बेटरा से इसको चिपका देते हैं पीछे तरफ। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कौन सा काम आता है वहाँ पर, आपको बताएंगे बेटरा से चिपकाएंगे चाहे ये ग्रिप से लगाएंगे, ठीक है। और चलाने के लगाने के पहले हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं कैसा जर रहा है। काफ़ी रोशनी तो बहुत है क्योंकि कंपनी का है ना, तो रोशनी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो चलो अभी हम इसको इंस्टॉलेशन करके आपको बताते हैं। देखिए 60 बल्ब में काफ़ी ज़्यादा रोशनी है, हम लोग 120 एलईडी बल्ब लगाते हैं उसमें भी इतना ही रोशनी अपने को मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास रोप लाइट, और रोप लाइट को अपने को लगाना है बाथरूम पे। बाथरूम पे कहाँ पर लगाएंगे आप देख सकते हो, इस जगह हमारे पास जगह है, तो जैसे कि स्पॉट लाइट लगा वैसे ही अपने को रोप लाइट भी बैठाना है। तो आपको कैसे तरीके से इसको रोप लाइट को लगाना है आपको बताते हैं। यहाँ पर हमारा ड्राइवर है आपको चेक करके दिखा रहे हैं, और वायरिंग छूटा है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्राइवर रखने के लिए अपने को जगह नहीं हो रहा है, तो अभी हम कैसे तरीके से इसको ड्राइवर को रखेंगे दे? अभी वीडियो पर अभी देखते रहिए और कैसे तरीके से इसको लगाते हैं अभी। तो दोस्तों हम लोग बाथरूम पे आए, और जस्ट हम लोग यहाँ पर हम लोग चेक किए ना, तो अपने को ड्राइवर रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है, देख रहे हो।
तो सभी कुछ प्लानिंग के हिसाब से करना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं मिल रहा है ड्राइवर रखने के लिए, तो क्या करें अभी, अपने को लगाना पड़ेगा दिमाग। तो दोस्तों अभी आपको बताते हैं, यहाँ पर हमारे पास बोर्ड है, हम बोर्ड को खोलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करेंगे। तो दोस्तों हम लोग बोर्ड बाहर कर लिए, और बाहर करने के बाद देखिए यहाँ पर दो येल्लो वायर है और इधर दो येल्लो वायर, तो इसका अपने को माइनस प्लस पता करना है। माइनस प्लस पता करने के बाद क्या करेंगे आपको बताते हैं, वीडियो पे बने रहिए। आप बिल्कुल स्किप मत करना है कैसे तरीके से हम लोग यहाँ पर रोप लाइट लगाएंगे, ड्राइवर लगाने का जगह नहीं मिल रहा है, तो हम आपको बताएंगे कैसे तरीके से बैठाने वाले। और पॉजिटिव हम लोग कर दिए, यहाँ पर देख सकते हो नेगेटिव किए पॉजिटिव किए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हो तो ये ड्राइवर है, तो ड्राइवर को हम लोग क्या करने वाले हैं, ड्राइवर को हम लोग डालने वाले हैं बोर्ड के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर कटिंग कर देंगे, और अभी देखिए यहाँ पर प्लग को कटिंग कर दे रहे हैं, और ये जो है पॉइंट भी कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। एलईडी का देख रहे हो यहाँ पर, इसको कटिंग कर दिए, ठीक है। कटिंग करने के बाद हम लोग नेगेटिव का नेगेटिव जोड़ेंगे यहाँ पर, और पॉजिटिव का पॉजिटिव जोड़ेंगे ड्राइवर से। तो अभी हम कैसे जानेंगे यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ पर है, तो अभी भाषा जो है कन्फ्यूज कर रहा है। आप देख रहे हो पावर प्लग जो हमारा कटिंग कर दिया, उसके बाद जो है इसको हम लोग को जोड़ना है अंदर पे बोर्ड के अंदर। तो देखिए यहाँ पर जो है प्लस माइनस जो हम लोग को जोड़ना है नेगेटिव पॉजिटिव, और आपको बता देते हैं ये देख रहे हो क्या है हमारे हाथ में, आपको बताएंगे बाद में, अभी तो फिलहाल इसको काम कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये जो हमारा पॉजिटिव है, ये प्लस वाला आइटम को यहाँ पर ट्विस्ट कर देना है, ठीक है। अच्छे से ट्विस्ट करना है इसको प्लस से भी, तो दोनों को फुल्ली दोनों तरफ से अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है। ट्विस्ट करने के बाद देखिए ये हो गया हमारा एलईडी के लिए। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को वायर को अच्छे से ट्विस्ट करना है। देखिए ये ट्विस्ट कर दिए दोनों को। उसके बाद देखिए अपने पास ये ग्रिप लगाए, आप देख रहे हो ये ग्रिप नहीं होता पूरा, अरे पूरा। तो चलो आपको बताते हैं इसको कैसे तरीके से वाटर प्रूफिंग करेंगे हम लोग। आप देख रहे हो यहाँ पर वाटर प्रूफिंग तो नहीं, हम लोग इंसुलेटर टेप लगाते हैं उसके जगह से ये स्लू यूज करते हैं, और ये देखिए दोनों स्लू है। तो ये माइनस प्लस पे हम लोग किए हैं, तो काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था सर आप टेप लगाते हो इंसुलेटर टेप तो उसमें क्या होता है प्रॉब्लम होता है, तो गलत तरीका है। तो मैं सोचा आप लोग के लिए पूरा अभी तो हर वीडियो आपके लिए टॉप बनाने की कोशिश करूँगा। तो देख रहे हो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम लोग, ये हो गया कंप्लीट आप देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग टेप की जगह ये ओके हो गया, यहाँ पर देख सकते हो एलईडी स्ट्रिप का प्लानिंग। अब आ जाते हैं ड्राइवर तरफ, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पता किए थे पावर प्लग किधर है और डीसी करंट किधर है, तो हम इसको इसको भी माइनस प्लस और पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को जैसे ही उधर किए ना वैसे अभी हम लोग करेंगे। फिर ये येल्लो वायर हो गया, माइनस प्लस डालते ना तो काफ़ी मस्त होता है, तो ये करना है आप देख सकते हो दोनों को ऐसे ही करना है, ठीक है बनकर। तो देखिए दोस्तों ड्राइवर रखने का जगह कहाँ बनाए हम लोग, बनाए बोर्ड पे स्विच बोर्ड पे। यहाँ पर देख रहे हो एलईडी का ड्राइवर यहाँ लग रहा है स्विच बोर्ड पे, आप दोनों तरफ देख सकते हो, और अभी इसका वायरिंग हो गया। आपको इसका फुल वीडियो चाहिए तो जल्दी से कॉमेंट करो। इसका ड्राइवर का आउटपुट वायर जोड़ दिए, अभी हम लोग यहाँ पर इनपुट वायर जोड़ते हैं जो हमारा स्विच बोर्ड पे रहेगा। इसको न्यूट्रल देना है अपने को, न्यूट्रल को ट्विस्ट करेंगे और एक वायर को स्विच बोर्ड पे लगाएंगे। तो न्यूट्रल जोड़ दिए, और अभी हम लोग स्विच बोर्ड पे जोड़ देते हैं इसका पॉइंट। तो ये इसके बाद हमारा लाइट चलने का रेडी हो जाएगा। तो गाइस जैसे ही हम लोग स्विच पे डालें यहाँ पर लाइट ऑन हो गया, आप देख सकते हो कोई भी गलती नहीं की हम लोग, और एक ही बार में माइनस प्लस लगाएं और चालू कर दिए। अब इसका आ गया पारी चिपकाने का। देखिए यहाँ पर स्विच है और ड्राइवर लगा है यहाँ पर, लाइट जल रहा है यहाँ, तो समझ गए ना किस तरीके से हम लोग इसका प्लानिंग किए हैं। तो चलो यहाँ का हम लोग का जो ड्राइवर है अंदर डालते हैं और बोर्ड को पिक कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग ड्राइवर को अंदर डाल दिए, काफ़ी आराम से प्लानिंग हो जाता है यहाँ पर, आपको पता ही है। जो जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको पता ही है मैं ड्राइवर कहाँ रखने का प्लानिंग करता हूँ और कौन सी जगह पे लगाने से अच्छे होता है। तो ये फाइनली आप देख सकते हो ड्राइवर रखने का जगह बना दिया मैंने, और उसके बाद ये जो है काफ़ी आराम से इंस्टॉलेशन भी हो गया। तो चलो इसको पैक कर देते हैं बोर्ड को, उसके बाद आपको बताते हैं रोप लाइट को कैसे चिपकाया जाता है।
तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड फिटिंग हो चुका और अब हम आगे यहाँ पर रोप लाइट लगाने का स्टार्टिंग करेंगे। कैसे लगाएंगे भाई? ऐसा लगाएंगे क्या? ऐसा लगाएंगे? ऐसा लगाएंगे? अब जल्दी से बताओ जिसको इसको पता है, ऐसा लगाएं भाई। आप लोग भी सिखा दिए करो यार, हम लोग भी सीखते हैं डेली नया नया बातों। तो दोस्तों हम लोग को लगाना है ऐसा, तो ऐसा तरीके से यहाँ पर रखने के लिए जगह नहीं। आपको दिखाते हैं रायता कैसा हुआ। नीचे देखा कैमरा में, देख रहे हो क्या हुआ है? एक टाइल वाला काम करने आया था, आपको बताता हूँ, एक टाइल वाला काम करने आया था यहाँ पर, ठीक है? तो क्या हुआ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर काम करते करते उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ पता नहीं है, तो आधा बीच में काम छोड़ के चले गया। पॉक्सी नहीं लगाए यहाँ पर, इसका टाइल भी नहीं लगाए, फिर टाइल के ऊपर अपने को लगाना था प्रोफाइल लाइट, तो काफ़ी मस्त सुंदर दिखता, उसके चक्कर में हम लोग लगा रहे हैं रोप लाइट, समझ रहे हो ना? तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसका प्लानिंग करते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पर फेविक्विक लेके आए, तो और बेटरा फेवी को यूज करेंगे, नहीं तो इसका ग्रिप है हमारे पास, वो यूज करेंगे। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास है ग्रिप, तो ये ग्रिप को लगाते हैं अभी। ग्रिप लगाने का काफ़ी आसान तरीका है, फर्नीचर में काफ़ी मस्त बनता है ऐसा। तो यहाँ पर तो लग रहा है अपने को जगह नहीं बनेगा, हम लोग दूसरा प्लानिंग कर दें। तो दोस्तों आपको एक बात बताना तो भूल जा रहा था, इसको चिपकाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, जो टाइल वाला काम करके गया ना, वहाँ पर बिल्कुल टाइल नहीं लगा, इसी रफ करके छोड़ के चले गया। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए एक एब्रो टेप लिए, उसके बाद यहाँ पर फेविक्विक चाहे बेटरा हो कुछ भी लो, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हम लोग ये लगाए ना टेप, जहाँ लगाए ना वहाँ पर अपने को फेविक्विक लगा देना है। उसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसको चिपकाना है, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा बॉस ये तो, क्योंकि आपको पता है एक गलती के कारण पूरा यहाँ पर मेरा हाथ खराब हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए जुगाड़ और ऐसा करके पकड़ना है, ये चिपकेगा उसके बाद आगे जाएंगे, तो पूरा सबको ऐसे ही करना पड़ेगा बॉस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चिपक तो गया है और काफ़ी सारा लंबा है, देख रहे हो यहाँ पर कितने मीटर है, अपने को चिपकाना है पूरा। तो ऐसे ही करके पूरा अभी हम लोग चिपकाते हुए लेके जाएंगे, करीब हम लोग एक एक फीट की दूरी में हम लोग को चिपकाना है, नहीं तो ये गिर जाएगा बाहर, क्योंकि बाथरूम एरिया है, तो उसको अच्छे से अपने को चिपकाना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद एक और दिमाग लगाए हैं तब जाके ये चिपक पा रहा है, तो आपको दिखाते हैं। नीचे आइए कैमरामैन, इसको दिखाइए, वहाँ पर कैमरे अंदर पे यहाँ पर ब्लिंग हो रहा है इस पर, तो देख रहे हो यहाँ पर हम लोग प्लानिंग कर रहे थे इधर राइट हमारा, इधर हम लोग चिपकाने के प्लान कर रहे थे, तो उधर अपने को चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीमेंट डाला हुआ है, कोई भी ग्रेनाइट ना पत्थर टाइल भी कुछ नहीं लगा है। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे ग्रेनाइट के ऊपर लगाते लगाते आप जा रहे हैं, आप देख सकते हो, तो सभी को देख रहे हो कैसा लगा रहे हैं, यहाँ पर टेप लगाए, उसके बाद एब्रो टेप से उधर बैठा रहे, इसको इधर बैठाए, और उसके बाद देखें अभी आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एक फीट में हम लोग एब्रो टेप मारते हुए लेके जा रहे हैं, क्योंकि बिना एब्रो टेप का ये चिपकने वाला है नहीं, निकल जा रहा है बाहर, तो हम लोग हल्का सा एब्रो टेप लगा देते हैं और उसके बाद देखते हैं आपको बताएंगे। ये पॉलिथीन आप सोच रहे हो क्यों पकड़ा होगा, इसमें हम मेरा क्या हो रहा है, फेवी कोई चिपक रहा है ना यहाँ पर, तो उससे अपने को बचना है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, आइए कैमरा मैन दिखाते हैं आपको कैसे इसको चिपकाना है। यहाँ पर अपने को नहीं लगाना है, इसको साइड पे लगाना है, साइड पे लगाना है, और अभी हम आपको बताएंगे इसको पकड़ना है, और अभी हम लोग टाइल के ऊपर लेके इसको चिपकाना है घींच के। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा लास्ट में आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कटिंग करना रहता है, अधिकतर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। क्या करते हैं आपको बताते हैं, यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर सोल्डिंग का मार्किंग है, वहाँ पर कटिंग करना है नहीं करना है, आपको बताता हूँ कहाँ पर कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर मीटर रहता है, ठीक है, 1 मीटर में हमारे को कटिंग करना रहता है। यहाँ पर चोक का सिंबल दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का दिया गया है, वहाँ पर अपने को कटिंग करना है। चलो लाइट को बंद कर देते हैं और अभी आपको बताएंगे इसको कटिंग करना है, लाइट बंद करके इसको कटिंग करना है, बिना लाइट का कटिंग नहीं करना है, आपको दिखाते हैं कहाँ पर कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर कटिंग का मार्किंग है, वहीं पर कटिंग करना है अपने को, ठीक है? तो
इसको हम लोग 20 पे कटिंग कर देंगे और इसको लाइट को बंद करके करना है, ठीक है। आप ध्यान देना, बिना लाइट का उसको हम लोग को लगाना है लास्ट में, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होता है। देखिए कटिंग करने के बाद एक इसका कवर रहता है उसको लगा देना है, तो ये यहाँ से सेफ्टी हो जाएगा इसको। तो चलो जितना बचा है उसको फिर से चिपकाते हैं। आपको पता है ये कितना मेहनत लग रहा है अपने को चिपकाने के लिए इसको, चिपकाने का पॉलिथीन पहन लेते हैं हाथ में। आपको सेफ्टी होना है ना, तो ऐसा पॉलिथीन पहनना पड़ेगा तब जाके आपका ये अच्छे से ये काम आएगा। देखिए यहाँ पर अपने को फेविक्विक देना है और इसको जो अपने को चिपकाना है यहाँ पर, हल्का सा बचा हुआ है और इतना बच गया है उसको कैसे करें, ठीक है। इसको भी हम लोग को चिपका देना है दोबारा। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगा, आप देखें कैसा है हम लोग इसको चिपकाया गया। आप देख रहे हो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एब्रो टेप यूज किए हैं, उसके बाद टाइल के ऊपर चिपकाएं और यहाँ पर तो पूरा जगह जो है हमारा प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और उसी पे हम लोग पूरा रोप लाइट को चिपकाया गया है। और ये परमानेंट तो जुगाड़ नहीं है, फिर ये टेम्परी से अच्छा है, आपको बता दी यहाँ चिपकाते उसके अच्छा हम लोग टाइल पर चिपका दिए और आप देख सकते हो दोनों तरफ हमारा पूरा हो चुका है। तो आप जुगाड़ देख रहे हो कैसे तरीके से इसको चिपकाने का, तो पूरा हमारा हो गया। आपको ड्राइवर, तो आपको ड्राइवर दिखाता हूँ कहाँ पर ड्राइवर लगा है। ड्राइवर लगा है यहाँ पर, उसके बाद ऐसा तरीके से चिपकाते हुए गए। पहले तो यहाँ पर ट्राई कर रहे थे, यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ, तो हम लोग गए वहाँ पर टाइल के ऊपर, पूरा टाइल के ऊपर चिपकाते चिपकाते लेके गए एक एक फीट के दूरी में, और ड्राइवर को रखे हम लोग अंदर और यहाँ पर खाली माइनस प्लस जोड़ने का जुगाड़ बनाए। तो फाइनली हम लोग का ये जो है पूरा चिपक गया है और अभी हम लोग स्विच ऑन करके देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स हमारे को मिलता है लाइट का। तो देखते हैं दोस्तों ये हमारा स्विच है। तो गाइस देख रहे हो फाइनली हम लोग इतना मेहनत करने के बाद हमारे को रोप लाइट का जो है लुक जो है मिल रहा है। आप देख सकते हो, हम लोग आपको दूर से दिखाते हैं, तो देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, कितना औसम है हमारे बाथरूम पे कैसा वर्क हो रहा है। आप देख रहे हो रोशनी काफ़ी मस्त लग रहा है और एक ही रोप लाइट पे यहाँ पर काफ़ी लुक आ रहा है। आप देख रहे हो बाकी लाइट सब बंद कर दिए और रोप लाइट लगाने का प्लानिंग देखिए कैसे यहाँ पर है। तो इनका प्लानिंग जाता है मेघा बरेडिया, इनका नाम है, इंजीनियर है और वही प्लानिंग की है ऐसा लगाने का। फिर क्या होता है अभी टाइल के लिए कितना लोचा हो गया अपना काम के लिए और कितना मेहनत करना पड़ेगा अपने को, तो कोई बात नहीं, टाइल के लिए कितना लोचा हो रहा था उसके लिए कितना मेहनत करना पड़े अपना। और उसके बाद इसको हम लोग कर ही दिए फाइनल, ख़त्म कहानी इसका। और ये देख सकते हो लुक देखिए कैसा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया किस तरीके से हम लोग यहाँ पर रोप लाइट लगाया गया टाइल पे, टाइल पे लगाए हम लोग रोप लाइट और इसका लुक देखिए मस्त लग रहा है, काफ़ी मस्त है। और दोस्तों वीडियो काफ़ी स्किप नहीं किए होंगे, जो जो भाई लोग मेरे वीडियो देखे होंगे तो उनको तो पता ही किस तरीके से मेहनत करके इसको लगाया गया, कैसे तरीके से इसका टेक्निक यूज किए, कहाँ पर इसका चोक रखे गए, कहाँ पर किस तरीके से इसको फिटिंग किया गया, पूरा डिटेल आपको बताया गया इस वीडियो पे। वीडियो पे बिल्कुल स्किप नहीं किया तो आपको पता चल गया होगा कैसा इंस्टॉलेशन करना है रोप लाइट का। तो दोस्तों वीडियो पे न्यू आए तो चैनल को कर ली सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कमलेश इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।